Let me tell you about the major ingredients, okay? अगर आप 128 120 A देखोगे तो when two or more persons agree, okay? तो जैसा कि मैंने अगर if you were there in the last class also, तो मैंने यहाँ पे एक इंट्रो जरूर दे दिया था इस टॉपिक का. सो अग्री लिखा है. अग्री मीन्स देयर इज एन अग्रीमेंट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो अग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी गवर्निंग दिस टाइप ऑफ अग्रीमेंट, ओके? सो अग्रीमेंट के देयर देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू पीपल, ओके? दो या दो से ज्यादा. सो वन ऑफ द मेजर लाइक द फर्स्ट वेरी फर्स्ट इंग्रीडियंट इज दैट देयर हैज टू बी टू और मोर पीपल. नेक्स्ट, हु हैव अग्रीड. नाउ अगेन बाइफर्केशन इंटू टू. ईदर टू देमसेल्व्स दे हैव अग्रीड दैट यस वी विल डू दिस ऑन सर्टेन डेट एंड सो ऑन, वट एवर द फैक्ट्स कुड बी, ओके? और दे अग्री टू गेट इट डन बाय समवन एल्स. तो दिस कुड ऑल्सो बी अ सिचुएशन. कॉन्स्पिरेसी है. सो ईदर दे डू इट और दे अग्री टू गेट इट डन फ्रॉम समबडी एल्स, ओके? एंड हु हैव अग्रीड टू डू वॉट. अब नाउ इफ यू रीड ए लाइक वन एंड टू, सो देयर यू विल बी फाइंडिंग. वहां पे लिखा है हु हैव अग्रीड टू डू एन इलीगल एक्ट, ओके? या फिर एनी एक्ट विच इज लीगल बट बाय इलीगल मीन्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग इलीगल एक्ट. अब इलीगल एक्ट ही अपने आप में देर इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिकॉज वी हैव सेक्शन नंबर 43 डिफाइनिंग दिस. अब इसमें भी आपके थ्री पार्ट्स आ जाएंगे. फर्स्ट थिंग दैट इट कैन बी ईदर एन ऑफेंस. नाउ ऑफेंस क्या होता है, सेक्शन 40 विल टेल यू दैट. सेकेंडली विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, राइट? फॉर एग्जाम्पल फेरा हो गया, ओके? या फिर विच ब्रिंग्स अ ग्राउंड फॉर एनी सिविल एक्शन. बेसिकली सिविल रॉन्ग है. लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देर इज ब्रीच ऑफ एनी काइंड ऑफ टॉर्ट दैट हैज बीन कमिटेड. क्योंकि सिविल रॉन्ग बोला हुआ है, सिविल एक्शन है. सो दैट मीन्स कोई सिविल की सिविल रॉन्ग की ही बात हो रही है एंड दैट इंक्लूड्स योर टॉर्ट या फिर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके? अब सिंपल सी बात है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सो डेफिनेटली दिस इज अ सिविल प्रोसीडिंग, ओके? बट लाइक इन सम सिचुएशंस इफ यू वांट कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यू नीड देर इज यू नो देर माइट बी कि आपको इसके लिए दूसरे को पनिश भी करवाना है, ओके? अपार्ट फ्रॉम डैमेजेस देर इज समथिंग एल्स ऑल्सो दैट यू वॉन्ट एज अ पार्ट ऑफ द रिलीफ. सो इन दैट केसेस दिस कैन बी कवर्ड अंडर द टर्म इलीगल एंड हेंस यू कैन गो फॉर दिस. बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, सो अदर इंग्रेडिएंट्स भी फुलफिल होने बहुत जरूरी है. सिर्फ जनरली यू नो हम इसका हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आ जाओ. बट अगर इस कॉन्टेक्स्ट में है, सब कुछ फुलफिल हो रहा है, देन यू कैन कम ओवर हेयर, ओके? सो इलीगैलिटी ऑफ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट दैट इज द एक्ट, ये इसका एक क्रक्स है, ओके? देर हैज टू बी अग्रीमेंट रिगार्डिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने अग्री करा टू कमिट मर्डर ऑफ लेट्स से सी, ओके? सो किलिंग सी इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस. दिस इज एन इलीगल एक्ट. सो ऑफेंस ही है किल करना, मर्डर करना. सो इट मीन्स कि ये एक इलीगल एक्ट है. सो द मोमेंट द अग्रीमेंट इज फाइनलाइज्ड, वो अपने आप में एक ऑफेंस बन जाएगा बिकॉज द सेक्शन नंबर 120 सेज सो. द मोमेंट दिस हैपेंस, इस सेक्शन में ये कहीं नहीं लिखा है दैट इट इज इम्प्लिसिट दैट दे हैव अग्रीड इंटेंशनली टू कमिट सम क्राइम, ओके? सो दिस सेक्शन डज नॉट रिक्वायर द इंटेंशन, ठीक है? सिमिलरली अगर हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं तो मेंस रिया पे अगर आएंगे तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन. मीन्स ओनली दैट पर्सन हु हैज नो दिस पर्सन लाइक ही हैज नो नीड टू प्रूव द मेंस रिया डिस्टिंक्टली. ऑब्वियसली मेंस रिया तो होना ही चाहिए, ये कॉन्स्पिरेसी में आ क्यों रहे हैं, अग्री क्यों कर रहे हैं किसी पॉइंट पे. बट डिस्टिंक्टली यू नो कुछ ऑफेंसेस होते हैं कि मेंस रिया लाइक मेजोरिटी ऑफ द ऑफेंसेस की एक्टस रियस प्रूव करना है और मेंस रिया प्रूव करना है, इजंट इट? बट आपको यहाँ पे डिस्टिंक्टली सिर्फ मेंस रिया पर ही बात नहीं करनी.
देर आर नंबर ऑफ ऑफेंसेज जहां पे मेंस डिया की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल वेजिंग वॉर अगेंस्ट दी स्टेट 124A, सेडिशन 120, 121. ओके, सो ये अपने आप में एक्ट ही जो है इतने ह्यूज हैं, इतने इलीगल उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं कि दैट देयर इज नो नीड टू प्रूव देम डिस्टिंक्टली कि हमारा मोटिव क्या था, लाइक वेजिंग वॉर के पीछे क्या मोटिव था, राइट? सो फॉर दिस सेक्शन एक्चुअल कमीशन नीड नॉट बी कमिटेड, दिस नीड नॉट बी डन, एंड लाइबिलिटी अराइजेज एज सून एज द अग्रीमेंट इज मेड. गॉट इट? सो यहाँ पे लिखा है विच इज ईदर कॉज टू बी डन. ओके, कॉज टू बी डन का मैंने आपको यही बताया है दैट दे कैन प्लान ऑन कि ये कोई और कमिट कर दे. सो द अग्रीमेंट कुड बी इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो. सो अगर आपको इंग्रीडियंट समझ में आ गए हैं, देयर कैन बी एनी सिचुएशन. सो इफ यू अप्लाई दीज इंग्रीडियंट्स राइटली तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वहां पे ये एक्ट जो है इलीगल है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हो बाय दी वे ऑफ ब्राइबिंग. हेयर ऑल्सो द अल्टीमेट एक्ट इज लीगल क्योंकि आपका अल्टीमेट एक्ट क्या है, टू ऑब्टेन द लाइसेंस. वो तो सभी को लेना पड़ता है टू ड्राइव. ओके, हु इज अडल्ट. तो लेकिन बट द मीन्स दैट यू आर यूजिंग इट टू गेट इट, दैट इज इलीगल. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज एन इलीगल एक्ट. अगर वो एक्ट इलीगल नहीं है बट सेकेंड कैटेगरी में आ रहा है, डूइंग अ थिंग बाय इलीगल मीन्स विच इज नॉट इलीगल. सो गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट इलीगल, बट यू आर गेटिंग इट बाय द वे ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल. सो दैट इज वाई वो आपका इसी कैटेगरी में आ जाएगा. Right now, the proviso says the moment two persons have agreed to commit an illegal act that is offense, the culpability under this section would apply. Okay, so unless some act besides the agreement is done by one or more parties in person's day off, so उस agreement के point पर ही they are making it an as an offense. राइट, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे सो इट इज इमटीरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट. सो अल्टीमेट एक्ट जो भी है, बट द फैक्ट दैट यू अग्रीड टू कमिटेड, उसका रिजल्ट कुछ भी हो डजेंट मैटर. सो वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ दोज टू पीपल. सो मियर अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच इज सिविल रॉन्ग. राइट, देन यस वन मैम, ट्वेंटी बी यू हैव योर पनिशमेंट गिवन. ओके, फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल है बिकॉज इन दैट यू नो द पनिशमेंट इज फॉर 2 years और मोर. सी अब यहाँ पे जो आपके इंग्रीडियंट्स थे, वन सेकेंड, यहाँ पे आपको जो सेकेंड क्लॉज इसका समझना पड़ेगा. इंग्रेडिएंट्स थे आपके सीसी को फॉर्म करने के, या तो वो ऑफेंस हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, या फिर सिविल रॉन्ग हो. ओके, अब ऑफेंस में भी पनिशमेंट ऑफ मोर देन 2 years, डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर. ओके, देन इन दैट केस द पनिशमेंट इज एज इफ ही हैड अबेटेड दी. सो अबेटमेंट के लिए जो भी पनिशमेंट दी होती है वो इस सिचुएशन में आ जाएगी. देन पनिशमेंट विल बी एज दैट ऑफ द अबेटर. ओके, डीमिंग दैट द पर्सन हैव अबेटेड द ऑफेंस. सेकेंडली एक हो गया आपका लेस देन टू मोर देन 2 years और रिगरस इंप्रिजनमेंट, एक हो गया आपका डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट. ओके, एंड द सेकेंड वन इज दैट 2 years वाला फैक्टर. नाउ अब आपका जो ये क्लॉज 2 है इसमें बोला है हुएवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफोरसेड. सो इसको छोड़कर अदर देन वाले में जो कॉन्स्पिरेसी रहेगी, फॉर एग्जाम्पल अब ये दोनों कैटेगरीज की बात की गई है,
सो यहां पर जो रहेगा उसमें आपकी पनिशमेंट गिवन है 6 months इम्प्रिजनमेंट विद फाइन और विदाउट फाइन, या फिर ओनली फाइन भी हो सकता है. गॉट इट? सो ये जो अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफोरसेड बोला गया है, दैट मीन्स ये इन दोनों इलीगल के बाकी के दो फैक्टर्स की बात की गई है. राइट? नाउ देर आर सर्टन, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा. नाउ देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डज सेक्शन 120A रिक्वायर्स कॉमन इंटेंशन. सो कॉमन इंटेंशन इज इम्प्लिसिट इन सेक्शन 120A. राइट? एंड इज देर एनी डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सेक्शन 34? तो 34 में आपका मेन जो है वो है कॉमन इंटेंशन प्लस द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. लेकिन यहां पे कॉमन इंटेंशन अग्रीमेंट पर से इज कॉन्स्पिरेसी. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेक्शन. जो कि कॉमन इंटेंशन आपका कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक तो 34 आपका मेजर सेक्शन है, ओके, वाइकेरियस लाइबिलिटी का जहां पे कंसेप्ट है, एंड ऑल्सो हेयर. लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो आपका 34 में, बिकॉज वहां पे लिखा है इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन. सो उस कॉमन इंटेंशन के बाद कुछ एक्ट होना जरूरी है. यहां पर जैसे ही अग्रीमेंट बना, दिस इटसेल्फ इज एन ऑफेंस. गॉट इट?